बी पार्ट कर रहे हैं पहले, ठीक है। बी पार्ट में क्वेश्चन है, एफ सज दैट सी टेंस टू सी, एफ जेड कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। एफ सज दैट सी टेंस टू सी, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड हैज, ऑप्शन दे रखे हैं, इनफाइनाइटली मेनी जीरो, नो जीरो, ओनली रियल जीरो, हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरो। ये फाइनाइटली फाइनाइटली मेनी जीरो है और ये इनफाइनाइटली मेनी जीरो, ठीक है। जीरोज का मतलब क्या हुआ, मतलब रूट ऑफ फंक्शन। जीरोज क्या होता है, एफ जेड को जीरो रख के जो रूट मिलते हैं वो जीरोज कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जीरोज निकालना चाह रहे हैं हम इसके, तो क्या होगा, देखिए एफ जेड इज इक्वल टू जीरो दैट इज ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ई पावर टू जेड इज इक्वल टू माइनस वन, यही आएगा ना, कैसे, ई पावर जेड प्लस वन अपॉन ई पावर जेड इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई पावर टू जेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई पावर टू जेड, ई पावर टू जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ई पावर जेड इक्वल टू माइनस वन। अब जीरो निकालने हैं, देखिए ई पावर टू एन पाई आई, इसकी वैल्यू खोलिए कितना आएगा, कॉस टू एन पाई प्लस आई साइन टू एन पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस टू एन पाई वन और साइन टू एन पाई जीरो, तो वन। तो इसके जनरल रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इसको लिखिए e पावर टू जेड इज इक्वल टू e पावर पाई आई, इसको अब लगाएंगे हम जनरल रूट निकालने के लिए, ठीक है, पाई आई इन टू, क्योंकि माइनस वन कॉस पाई प्लस आई साइन पाई वन है, क्या होगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई इज इक्वल टू माइनस वन, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, साइन पाई की वैल्यू जीरो। इसको कितना लिख सकता हूं, इन टू वन, दैट इज ई पावर टू जेड इज इक्वल टू ई पावर पाई आई इन टू ई पावर टू एन पाई आई। तो इसको कितना लिख सकते हैं, ई पावर टू जेड इज इक्वल टू ई पावर पाई आई, यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर कितना बचता है, टू एन प्लस वन, ठीक है। तो इट मीन्स टू जेड इज इक्वल टू टू एन प्लस वन ऑफ पाई आई। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, वन प्लस, सॉरी जेड इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू पाई आई, जहां पे एन क्या है, इंटीजर वैल्यू, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू एन सो, ये जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो जो जेड की वैल्यू मेरे पास मिल रही है, क्या मिल रही है, ये आ रही है एन प्लस वन बाई टू पाई आई। देखिए हैज नो जीरो गलत, ओनली रियल जीरो गलत, देखिए रियल जीरो क्यों, क्योंकि पाई आई आ रहा है, ठीक है। फाइनाइटली मेनी जीरो गलत, क्यों फाइनाइटली मेनी जीरो, ये तो इंटीजर है, इनफाइनाइट है, तो हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरो, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जीरो मतलब फंक्शन के रूट की वैल्यू होती है जीरो, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है अगला क्या है, इफ ए इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए है एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड बी इज इक्वल टू आई प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आयोटा ए, आई मतलब जहां पे आई स्क्वायर, इसमें इतना भी लिखा था आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, देन बी इज नेवर, सॉरी बी इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टेबल, बी इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टेबल, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, बी इन्वर्टेबल तो ए इन्वर्टेबल, ए इन्वर्टेबल तो बी इन्वर्टेबल, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरीली रियल, बी की सारी आइगन वैल्यू रियल होंगी, नेसेसरी कंडीशन कह रहा है, b माइनस आई नेसेसरी इन्वर्टेबल, b इज नेसेसरली इन्वर्टेबल। देखते हैं इसमें हमें दिया है b इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आयोटा a, पहले ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए यदि मैं a इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है,
तो मुझे बी इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, आई प्लस आयोटा जीरो, और इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उस केस में, वन, क्योंकि आइडेंटिटी का जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वही बी का डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो ये तो नॉन सिंगुलर मिल गई। ये क्या कह रहा था, ए इज रियल, सॉरी, बी इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली ए इज इन्वर्टेबल। मैंने ए को नॉन इन्वर्टेबल लिया, ये तो जीरो मैट्रिक्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, क्योंकि डिटरमिनेंट ए जीरो आ जाएगा, तब भी मेरे पास डी इज इन्वर्टेबल मिल जा रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रही है। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड को डिस्कार्ड करते, देखिए बी माइनस आयोटा इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये कह रहा है कि बी माइनस आई नेसेसरी इन्वर्टेबल, ये भी गलत। फर्स्ट और थर्ड को तो इससे हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब बात करते हैं हम सेकेंड और थर्ड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में जब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑप्शन को, तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, ऑल गिवन वैल्यू, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरी रियल। ये मुझे बी इज इक्वल टू कितना दिया है, बी इज इक्वल टू दिया है आई प्लस आयोटा ए। यदि ए बराबर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो मुझे बी इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी प्लस आई इंटू आइडेंटिटी, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, तो इसको कितना लिख सकता हूं, वन प्लस आयोटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, वन 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 होंगी, चाहे ऑर्डर जो भी हो। तो मेरे बी की आइगन वैल्यू क्या आ गई, वन प्लस आयोटा, सारी जितनी भी एन क्रॉस एन की आएंगी सारी आइगन वैल्यू वन प्लस आयोटा, वन प्लस आयोटा, वन प्लस आयोटा, और तो एन सॉन 3 क्रॉस 3 की तो है, तो ये हो जाएगा एन क्रॉस एन की है, तो इतनी आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी, वन प्लस आई, वन प्लस आई, वन प्लस आई टाइप की बन जाएगी। क्या कह रहा है, बी ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरी रियल, गलत, इमेजिनरी आ गई, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अब वैसे तो लास्ट ऑप्शन सबके सब डिस्कार्ड कर दिए तो लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं कैसे देखें। देखिए मान लेते हैं ए की आइगन वैल्यूज कुछ है, कुछ है मतलब एन क्रॉस एन की अगर ए है, तो सारी आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा वन, लैम्डा टू, डॉट डॉट लैम्डा एन, और आपको पता है ये क्या होंगी, रियल। ऐसा क्यों, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, रियल हो जाएंगी। तो अब b कितना है, इतना, तो b की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, वन प्लस लेमडा आई, क्योंकि अगर a की आइगन वैल्यू लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा एन लिख देता हूं उसको, ठीक है, मतलब a की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वन प्लस लेमडा वन आई, वन प्लस लेमडा टू आई, डॉट डॉट डॉट, अगर n क्रॉस n की है तो ये हो जाएंगी, जहां पे ये रियल है। तो ये जीरो भी हो जाएंगी, अगर ये जीरो भी हो जाती है तब भी ये नॉन जीरो आएंगी, ये बी की आइगन वैल्यू मिल रही है, क्या बी की आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, ये मिल रही है। और आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वन प्लस लेमडा वन आई इंटू वन प्लस लेमडा टू आई इंटू डॉट डॉट, जितने भी दे रखी है आपको, एन क्रॉस एन की है तो एन, 3 क्रॉस 3 की है तो 3 आइगन वैल्यू जाएंगी, और ये क्या चीज मिलेगी आपको, नॉन जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब बी इज नेसेसरली इन्वर्टेबल, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नेसेसरली इन्वर्टेबल, तो बी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो डेफिनेटली इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेट सी बी ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 विथ सेंटर एट द ओरिजिन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन ओरिएंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द इंटीग्रल दिस इज, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी हम इसको कर सकते हैं और रेजिड्यू का यूज करके भी कर सकते हैं। अभी एक ही मेथड से देख लेते हैं, देखिए जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसको दोबारा पढ़ा देंगे इसको। बहरहाल हमें पता है कि एफडेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई आई कर्व सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर, होता है ना, जेड माइनस ए होल स्क्वायर। यहां क्या दिया है, अगर ए कोई फंक्शन एनालिटिक है और उसके होमोमॉर्फिक एनालिटिक है, तो उसके इनसाइड कोई पॉइंट ए है तो उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी होती है। अगर मैं निकालू इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आई इंटू एफ डेस ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, 2 रेडियस का सर्किल है, ठीक है, रेडियस कितना है, मॉड जेड बराबर 2 दिया है हमें,
अगर मॉडजेड बराबर टू, रेडियस ऑफ सर्किल इज टू, और यहां जो पॉइंट है वन इनसाइड लाई करेगा, फिर ये जीरो है, ये वन वन और ये माइनस वन, ये टू हो गया, तो ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू, मेरा जो क्वेश्चन बनेगा ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, टू पाई आई इंटू एफ डैश ऑफ वन, ये होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, एफ जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन दे रखी है। एफ जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन दे रखी है। अगर मुझे एफ जेड इज इक्वल टू वन दे दिया तो एफ डैश जेड बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एफ डैश वन भी कितना हो जाएगा, एफ डैश वन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो दिस इज इक्वल टू टू पाई आई इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका ऑप्शन जीरो है कहीं, ऑप्शन जीरो सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन टेलर सीरीज का दिया है, इसमें देखिए इसको भी पढ़ते हैं समझते हैं। लेट एफ बी होलोमोर्फिक फंक्शन, एफ बी होलोमोर्फिक फंक्शन, यहां होलोमोर्फिक वर्ड यहां पे है, ठीक है। एफ बी होलोमोर्फिक फंक्शन इन ओपन यूनिट डिस्क सच दैट लिमिट जेड टेंस टू वन एफ जेड नॉट एग्जिस्ट लेट दिस बी द टेलर सीरीज ऑफ एफ अबाउट जेड बराबर जीरो। पहली बात तो कह रहा है एक ऐसा होलोमोर्फिक फंक्शन है जिसका यूनिट डिस्क पे डिफाइन है, और मॉड जेड और यूनिट डिस्क पे फंक्शन डिफाइन है, और लिमिट जेड टेंस टू वन पे एफ जेड की वैल्यू नॉट डिफाइन है। ऐसा ही फंक्शन लेते हैं हम और उसका टेलर सीरीज एक्सटेंशन कर देते हैं अबाउट जेड बराबर जीरो। तो जो टेलर सीरीज एक्सटेंशन आएगा उस केस में ये एंड आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आर उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो उस आर को निकालो कह रहा है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, सबसे पहले तो एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूनिट डिस्क में मैंने ले लिया एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू क्या ले ली, वन अपॉन जेड माइनस वन, ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। वन माइनस जेड ले लीजिए इसको, क्योंकि फॉर्मूला खोलने में आसानी होगी ना, वन माइनस जेड। तो यूनिट डिस्क पे डिफाइन है फंक्शन आपका, और एट जेड बराबर वन पे लिमिट, ये देखिए लिमिट जेड टेंस टू वन अगर मैं एफ जेड निकालता हूं तो नॉट डिफाइन। अब देखिए अगर ये नॉट डिफाइन है तो उससे आगे की कहानी क्या है, इसको हम निकालते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका टेलर सीरीज एक्सटेंशन कर देते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू वन माइनस जेड की पावर माइनस वन को ब्रेक करूंगा, क्या मिलेगा, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सीरीज क्या बन गई, एफ जेड मैंने टेलर एक्सटेंशन से कैसे लिख दिया, समेशन ऑफ जेड टू दी पावर एन। इसका मतलब ए एन की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, जिसे इक्व टू वन, और मैं जानता हूं वन अपॉन आर इज इक्व टू क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का मॉड, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन आ जाएगा। ए एन प्लस वन भी तो वन ही होगा, ए एन प्लस वन जो होगा वो भी तो वन ही होगा, तो ये इसी वन अपॉन आर वन है, तो आर भी कितना हो जाएगा, वन। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या हो जाएगा, वन। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेट सीक्वेंस ए एन एन ग्रेटर इक्वल देन वन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग ए वन इज ग्रेटर इक्वल देन वन, ए वन इज ग्रेटर इक्वल देन वन एंड ए एन प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी ट्रू। ये ऑप्शन दे रखे, सीक्वेंस और सीरीज टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आजकल, तो उसमें पी टेस्ट पढ़ा हमने, जस्ट पी टेस्ट का एप्लीकेशन है, पी टेस्ट पढ़ा था ना हमने कल ही अपलोड किए वो वीडियो, तो वो जस्ट पी टेस्ट का ही एप्लीकेशन है। कैसे देखिए, हम ले लेते हैं एक सीक्वेंस एन, सीक्वेंस है दैट इज इक्वल टू क्या, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव अप टू एन सॉन, ये सीक्वेंस है। अब एक ये एग्जांपल लिया सीक्वेंस का, तो सीरीज जो बनेगी इससे क्या बनेगी, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट ए एन, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एन बन जाएगी, ठीक है। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए ए वन वन और वन से बड़ा, तो दूसरी कंडीशन मेरे पास है ए एन प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल देन ए एन प्लस वन होना चाहिए। मान लेते हैं ए वन इज इक्वल टू हमारे पास कितना है वन, ए टू इज इक्वल टू कितना है टू, ए थ्री इज इक्वल टू कितना है थ्री, ए फोर इज इक्वल टू कितना है फोर अप टू एन सॉन। अगर इसको ए एन लेता हूं, ए एन ले लेता हूं इसको, तो ए एन कितना है थ्री, तो ए एन प्लस वन कितना हुआ फोर हुआ। अब देखिए k
क्या फोर? सी ए एन प्लस वन फोर इज ग्रेटर इक्वल देन थ्री प्लस वन है, इक्वल वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कर रहा ना, फोर इज ग्रेटर इक्वल देन फोर इक्वल टू फोर। तो ये सारे टर्म इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं जो इसने दिया है, तो ये सीक्वेंस हमारी बन गई है। तो ये सीक्वेंस जो एग्जाम्पल ले रखा सही है कहने का मतलब है। अब देखिए एक एक करके हम डिस्कार्ड करते हैं। पहली बात तो ये देखिए सीक्वेंस क्या है, ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस नॉट बाउंडेड। क्यों बाउंडेड? ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रही है, अपर बाउंड तो कोई है ही नहीं। और सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है? जब ए वन जो है स्मॉल के से कैपिटल के बीच में। हमने पढ़ा है बाउंडेड का मतलब हुआ अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रही है, तो तब बाउंडेड। तो ये द सीक्वेंस ऑफ ए एन इज बाउंडेड, गलत। ए एन जो है मेरी एन इज नॉट बाउंडेड, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सेकंड गलत। दूसरा, सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन ए एन स्क्वायर का मतलब समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन स्क्वायर। और पी टेस्ट क्या कहता है? समेशन वन अपॉन एन पावर पी, पी ग्रेटर देन वन तो कन्वर्जेंट, पी लेस देन इक्वल टू वन तो डाइवर्जेंट। तो पी ग्रेटर देन वन पे क्या है, ये कह रहा है पी ग्रेटर देन ए एन स्क्वायर सीरीज जो बननी है एन टू पे एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट फेल हो गया। ऑप्शन फर्स्ट गलत, सेकंड गलत। लास्ट ऑप्शन को देखो, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन, पी की वैल्यू कितनी है वन, तो ये पी इज इक्वल इस पे कन्वर्जेंट कह रहा है, तो पी इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट होती है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑब्वियसली यही बचा ना ए एन, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कन्वर्जेंट है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस का जस्ट एप्लीकेशन था। देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर ए इज इक्वल टू दिस देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, ए इज इक्वल टू दे रखा है जीरो वन सॉरी माइनस वन वन, तो ए स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, सॉल्व ए स्क्वायर मतलब जीरो वन माइनस वन वन इंटू जीरो वन माइनस वन वन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये वन माइनस वन वन माइनस वन जीरो, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए इसको। ठीक है, तो ए क्यूब अगर हम निकालें तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन जीरो इंटू जीरो वन माइनस वन वन, दैट इज इक्वल टू माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। ए क्यूब इंटू ए क्यूब कीजिए क्या आ रहा है, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन बराबर वन जीरो जीरो वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई ए की पावर छह बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, प्रूव हो गया, सिंपल सा पार्ट ये था। अब दूसरा हम इसी क्वेश्चन को कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा था, कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना आप। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए इज इक्वल टू मुझे दिया है जीरो वन माइनस वन वन, मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालता हूं ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो वन माइनस वन वन माइनस लेमडा वन जीरो जीरो वन, दिस इक्वल टू दैट इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस लेमडा ए माइनस लेमडा आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू इतना, तो कितना हो गया माइनस का लेमडा वन माइनस वन वन माइनस लेमडा दिस इक्वल टू जीरो, माइनस लेमडा इंटू वन माइनस लेमडा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, लेमडा माइनस वन। ठीक है, लेमडा माइनस वन। अब कैरी हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या आया मेरे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेमडा, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ए स्क्वायर बराबर ए माइनस आई, ये मिला मुझे ए स्क्वायर। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी माइनस टू ए, फिर इसमें वैल्यू रख दीजिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए माइनस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी माइनस टू ए दिस इक्वल टू माइनस का ए आ गया मेरे पास, ए पावर फोर की वैल्यू माइनस ए आ रही है, तो ए पावर फोर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ऑपरेट कीजिए, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए माइनस आइडेंटिटी, सॉल्व किया तो कितना मिला यहां से, ए स्क्वायर, ये मिलेगा हमें, ए स्क्वायर की वैल्यू रखी ना मैंने, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आइडेंटिटी, सॉरी ये जरा गलत हो गया, ए स्क्वायर ए पावर फोर इंटू ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस ए इंटू ए माइनस आइडेंटिटी, ठीक, एक मिनट, हाँ इसको देखिए आप, यहां पे कर देता हूं मैं, हमें ए पावर फोर की वैल्यू मिल रही कितनी, माइनस ऑफ ए, ये मिल रहा ना ए और माइनस ए, हाँ ठीक है, ए पावर फोर इंटू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां भी क्या करेंगे, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए, यहां से कितनी आएगी, ए माइनस आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर की अगेन वैल्यू रखेंगे ना, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये कुछ गड़बड़ होगी, इसको जरा सा देखो गलत क्यों आए, ए पावर फोर किया स्क्वायर किया बोथ साइड, तो ए पावर फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी माइनस टू ए, सही लिखा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक हो गया, अब जब हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रखेंगे तो हमें ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए माइनस आयोटा सॉरी आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी माइनस टू ए, दिस इज इक्वल टू माइनस ए, ए पावर फोर की वैल्यू माइनस ए आ गई मेरी, ठीक है, अगर ए पावर फोर की वैल्यू माइनस ए आई तो ए पावर फोर इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए पावर सिक्स दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब वो जो ऑप्शन है ना ये गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी नहीं आ रहा था, ए तो आइडेंटिटी है नहीं, वैसे ही ऑप्शन छह सही हो गया है, फिर भी इसको हम निकालते हैं, ए पावर सिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड ए स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे तो माइनस ए इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए माइनस आइडेंटिटी, तो फिर इसको अंदर ऑपरेट करूंगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बनेगा ए प्लस ए बनेगा, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू कितना रखेंगे, ए माइनस ए प्लस आइडेंटिटी प्लस ए, ये और ये कैंसिल हो गया, आया कितना आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ए पावर सिक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, आइडेंटिटी मिल रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है जो हमें क्या दे रहा है आइडेंटिटी, वो कौन है